दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की मूवी गदर 2 के 33 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। वहीं दोस्तों इस मूवी से कंपेयर करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की मूवी पठान के 33 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। जानेंगे दोस्तों 33 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से किस मूवी ने मारी थी बॉक्स ऑफिस बाजी, कौन बना था इंडियन बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा सुपरस्टार। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लेते हैं शुरू। आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। साथ ही दोस्तों शाहरुख खान और सनी देओल को इंडिया का बेहतरीन सुपरस्टार मानते हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की पठान के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को 25 जनवरी को रिलीज किया गया था। वहीं इस मूवी का बजट था 250 करोड़। इस मूवी को सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनाया गया था। दोस्तों पठान मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। दोस्तों इस मूवी में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम एम किरदार में देखने को मिले थे। सलमान खान का भी जबरदस्त कैमियो देखने को मिला था इस मूवी में। बात करें दोस्तों पठान मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो पठान मूवी ने पहले दिन इंडिया से नेट कलेक्शन किया था 57 करोड़ रुपए का। दूसरे दिन इस मूवी ने 70 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों पठान मूवी ने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 39 करोड़ 25 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था। पठान मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 330 करोड़ 25 लाख रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया था। इस मूवी ने पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 636 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों पठान मूवी ने दूसरे हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 115 करोड़ 95 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया था। दूसरे हफ्ते में इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 228 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों पठान मूवी के 33 दिनों के कलेक्शन की बात करें तो पठान मूवी ने 32वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने 33वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और पठान मूवी ने 33 दिनों में टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों 525 करोड़ 58 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने 25 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1025 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। जो दोस्तों पठान मूवी ने लेफ्ट टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो सनी देओल की मूवी गदर 2 के 33 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को 11 अगस्त को रिलीज किया गया था। वहीं इस मूवी को 80 करोड़ के बजट में बनाया गया था। इस मूवी को अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनाया गया था। दोस्तों गदर 2 मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 3800 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस मूवी में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए थे। बात करें दोस्तों गदर 2 मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी ने पहले दिन 40 करोड़ 10 लाख रुपये का इंडिया से नेट कलेक्शन किया था। दूसरे दिन इस मूवी ने 43 करोड़ 8 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। और तीसरे दिन इस मूवी ने 51 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों इसी के साथ इस मूवी ने पहले हफ्ते में 284 करोड़ 63 लाख रुपए इंडिया से नेट कर लिए थे। पहले हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 369 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था। दूसरे हफ्ते में गदर 2 मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 134 करोड़ 47 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और दूसरे हफ्ते में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 176 करोड़ 60 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों गदर 2 मूवी की अभी तक की कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर 33 दिन का समय हो चुका है। वहीं दोस्तों ये मूवी आज 33वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 70 लाख रुपए का कलेक्शन कर रही है। अगर दोस्तों गदर 2 मूवी के 33 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात कर लें तो अभी तक इस मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 515 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दोस्तों गदर 2 मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 674 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। और दोस्तों गदर 2 मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों गदर 2 मूवी ने अभी तक लेफ्ट टाइम पठान के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। लेकिन दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं दोस्तों आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है, पठान या गदर 2, दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।